वालेकुम नाजीन, आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। इसे बनाने के लिए मैंने ली है आधा बड़ा प्याला बारीक घिसी हुई लौकी। इसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो कर रखा है। 250 ग्राम दही, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा क्रश किया हुआ पुदीना, 1 से 1.5 टेबल स्पून सरसों का पका हुआ तेल। अब सबसे पहले एक छोटे भगोने में डालेंगे लौकी। अब इसे हल्की गैस पर ढककर 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे ताकि ये थोड़ी गल जाए। अब एक गहरे बर्तन में डालेंगे दही और साथ में इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो आप ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिक्सी में भी फेंट सकते हैं। दही तैयार है और ये देखिए लौकी भी गल गई है। अब गैस बंद करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए लौकी ठंडी हो गई है, अब इसको दही में मिलाएंगे। लौकी में जो थोड़ा सा पानी बचा था उसको हमने रायते में ही डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे पुदीना और इसे मिला लेंगे। और मैंने एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले ली है, ये ऑप्शनल है। अगर आप कम मिर्च का खाना चाहें तो इसे ना डालें। इसे मिलाएंगे और अब इसका भगार तैयार करेंगे। उसके लिए एक छोटे पैन में डालेंगे तेल और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे ज़ीरा। ये देखिए ज़ीरे का कलर बदलने लगा है, अब इसे रायते में डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथ से चलाएंगे। ये देखिए ये तैयार है, लौकी का रायता तैयार है। इसे रूखा या किसी के भी साथ सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।